Honorable Prime Minister, I humbly welcome you for the inaugural address. Aap sabko namaskar. श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद जी, जनरल सेक्रेटरी स्वामी रुतंबरानंद जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, केरल की धरती के ही संतान श्री वी मुरलीधरन जी, राजीव चंद्रशेखर जी, श्री नारायण गुरु धर्म संगम ट्रस्ट के अन्य सभी पदाधिकारीगण, देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, जब संतों के चरण मेरे घर में आए, एक प्रकार से आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे लिए कितना आनंद की पल है ये। एला प्रियपट्ट मलयाली गल्कुम अंडे बनी तमाया नमस्कारम। भारत इंडे आध्यात्मिक चैतन्य मां श्री नारायण गुरुदेवन अद्यहतिंडे जन्मताल धन्य मागपट्ट पुण्यभूमि आण केरलम। संतों की कृपा और श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद से मुझे पहले भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। शिवगिरी आकर के आप सबके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है और मैं जब भी वहां आया उस आध्यात्मिक भूमि की ऊर्जा को हमेशा अनुभव किया। मुझे खुशी है कि आज शिवगिरी तीर्थ उत्सव में और ब्रह्म विद्यालयम के गोल्डन जुबिली के आयोजन में भी मुझे शामिल होने का, आप सबने पुण्य कार्य करने का अवसर दिया है। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों से मेरा नाता किस प्रकार का है, लेकिन कभी कभी मैं अनुभव करता हूं और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता। जब केदारनाथ जी में बहुत बड़ा हादसा हुआ, देश भर के यात्री जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे थे, उत्तराखंड में और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और केरल के ही श्रीमान एंटोनी रक्षा मंत्री थे, इन सबके बावजूद भी मुझे अहमदाबाद में, मैं मुख्यमंत्री गुजरात में, शिवगिरी मठ से मुझे फोन आया कि हमारे सारे संत फंस गए हैं, उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो कहाँ है, क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मोदी जी, ये काम आपको करना है। मैं आज भी सोच नहीं पाता हूं
कितनी बड़ी बड़ी सरकारें होने के बावजूद भी शिवगिरी मठ ने इस काम के लिए मुझे आदेश किया और ये गुरु महाराज की कृपा रही कि गुजरात में मेरे पास उतने तो संसाधन नहीं थे, फिर भी मुझे उस पुण्य कार्य का सेवा का मौका मिला और सभी संतों को सुख रूप में वापस ले आ पाया और शिवगिरी मठ पहुंचा पाया। उस फोन कॉल से ही मेरे लिए सचमुच में वो हृदय को छूने वाली घटना थी कि ऐसा क्या गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा कि इस पवित्र कार्य के लिए आपने मुझे चुना। आज ये भी शुभ अवसर है, इस अवसर में मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। तीर्थ दानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालयम की गोल्डन जुबिली, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में, भारत के इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल नानकय ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। वर कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र, हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है, ये आस्था के केंद्र भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है। मैं इस अवसर पर श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट को, स्वामी सच्चिदानंद जी को, स्वामी रुतंभरानंद जी को और स्वामी गुरु प्रसाद जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तीर्थ दानम और ब्रह्म विद्यालयम की स्वर्णिम यात्रा में, इस आयोजन में लाखों करोड़ों अनुयायियों की अनंत आस्था और अथक परिश्रम भी शामिल है। मैं श्री नारायण गुरु के सभी अनुयायियों को, सभी श्रद्धालुओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी संतों और पुण्य आत्माओं के बीच आज जब मैं बात कर रहा हूं, तब भारत की विशेषता यह है कि जब भी समाज की चेतना कमजोर होने लगती है, अंधकार बढ़ता है, तब कोई न कोई महान आत्मा एक नए प्रकाश के साथ सामने आ जाती है। दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकवाद ने ले ली। खाली तो रहता नहीं है, भौतिकवाद ने भर दिया, लेकिन भारत कुछ अलग है। भारत के ऋषियों, भारत के मुनियों, भारत के संत, भारत के गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों में निरंतर शोधन किया, संशोधन किया और संवर्धन भी किया।
श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। यहां शिवगिरी तीर्थ के जरिए वैज्ञानिक चिंतन की नई धारा भी निकलती है और शारदा मठ में मां सरस्वती की आराधना भी होती है। नारायण गुरु जी ने धर्म को शोधित किया, परिमार्जित किया, समयानुकूल परिवर्तन किया, काल बाह्य चीजों को छोड़ा। उन्होंने रूढ़ियों और बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया और भारत को उसके यथार्थ से परिचित करवाया। और वो कालखंड सामान्य नहीं था। रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा होना ये छोटा मोटा काम नहीं था, आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो नारायण गुरु जी ने करके दिखाया। उन्होंने जातिवाद के नाम पर चल रहे ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ तार्किक और व्यवहारिक लड़ाई लड़ी। आज नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों, दलितों, पिछड़ों की सेवा कर रहा है। उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको, उन अधिकारों को देना यह हमारी प्राथमिकता रहा है। और इसीलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, श्री नारायण गुरु जी आध्यात्मिक चेतना के तो अंश थे ही थे, आध्यात्मिक प्रेरणा के प्रकाश पुंज थे, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि श्री नारायण गुरु जी समाज सुधारक भी, विचारक भी और युग दृष्टा भी थे। वो अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते थे, वो बहुत दूर का देख पाते थे। इसकी वजह से आप कल्पना कर सकते हैं, गुरुदेव एक रेडिकल थिंकर के साथ ही एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर भी थे। वो कहते थे कि हम यहां जबरन बहस करके जीतने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहां जानने के लिए, सीखने के लिए आए हैं। वो जानते थे कि समाज को वाद विवाद में उलझाकर नहीं सुधारा जा सकता। समाज में सुधार आता है जब लोगों के साथ काम किया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए और लोगों को अपनी भावनाएं समझाई जाए। जिस पल हम किसी से बहस करने लग जाते हैं तो उसी पल सामने वाला व्यक्ति अपने पक्ष के लिए तर्क, वितर्क, कुतर्क सब खोज करके परोस देता है। लेकिन जैसे ही हम किसी को समझना शुरू कर देते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमें समझना शुरू कर देता है। नारायण गुरु जी ने भी इसी परंपरा का, इसी मर्यादा का हमेशा पालन किया। वो दूसरों की भावनाओं को समझते थे और फिर अपनी बात समझाने का प्रयास करते। वो समाज में उस वातावरण को निर्माण करते थे कि समाज खुद ही
सही तर्कों के साथ अपने आप सुधार की प्रक्रिया में जुट जाता था। जब हम समाज में सुधार के इस मार्ग पर चलते हैं तो फिर समाज में स्वयं सुधार की एक शक्ति भी जागृत हो जाती है। अब जैसे हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, कानून तो पहले भी थे लेकिन बेटियों की संख्या में सुधार हाल ही के कुछ वर्षों में हो पाया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने समाज को सही बात के लिए प्रेरित किया, सही वातावरण तैयार किया। लोगों को भी जब लगा कि सरकार सही कर रही है तो स्थितियों में तेजी से सुधार भी आने लग जाता है और सच्चे अर्थ में सबका प्रयास उसके फल नजर आते हैं। समाज में सुधार का यही तरीका है और ये मार्ग हम जितना श्री नारायण गुरु को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको समझते हैं, उतना ही वो स्पष्ट होता चला जाता है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने हमें मंत्र दिया था, औरु जाति औरु मथम औरु देवम मनुष्यम। उन्होंने वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड इसका आह्वान किया था। अगर हम नारायण गुरु जी के इस आह्वान को बहुत गुणता से समझे, इसके भीतर छिपे संदेश को समझे तो पाएंगे कि उनके इस संदेश से आत्मनिर्भर भारत का भी मार्ग बनता है। हम सभी की एक ही जाति है, भारतीयता। हम सभी का एक ही धर्म है, सेवा धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन। हम सभी का एक ही ईश्वर है, भारत मां के 130 करोड़ से अधिक संतान। श्री नारायण गुरु जी का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड आह्वान हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। हमारी राष्ट्रभक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति मां भारती की आराधना, कोटि कोटि देशवासियों की सेवा साधना है। हम इस बात को समझते हुए आगे बढ़े, श्री नारायण गुरु जी के संदेश का पालन करें तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम भारतीयों में मतभेद पैदा नहीं कर सकती। और यह हम सब जानते हैं कि एकजुट हुए भारतीयों के लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। साथियों, नारायण गुरु ने तीर्थ दारम दानम की परंपरा को आजादी के पहले शुरू किया था। देश भी इस समय अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे समय में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा स्वातंत्र संग्राम केवल विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक रणनीतियां तक ही सीमित नहीं था। ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई तो थी ही, लेकिन साथ ही एक आजाद देश के रूप में हम होंगे कैसे होंगे इसका विचार भी साथ साथ चलता था। क्योंकि हम किस चीज के खिलाफ है केवल यही महत्वपूर्ण नहीं होता, हम किस सोच के किस विचार के लिए एक साथ है ये भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारे स्वाधीनता संग्राम से इतने महान विचारों की परंपरा चल पड़ी, हर कालखंड में नए विचारक मिले, भारत के लिए इतनी संकल्पनाएं इतने सपने एक साथ खड़े हुए। देश के अलग अलग हिस्सों से नेता और महान लोग एक दूसरे से मिलते थे,
एक दूसरे से सीखते थे। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें ये सब बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन उस दौर में ये सोशल मीडिया और मोबाइल के जमाना नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी ये जननायक, ये नेता एक साथ मिलकर मंथन करते थे, आधुनिक भारत की रूपरेखा खींचते थे। आप देखिए 1922 में देश के पूर्वी भाग से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहां दक्षिण में आकर नारायण गुरु से मिलते हैं। तब गुरु से मिलने बाद गुरुदेव ने कहा था कि मैंने आज तक नारायण गुरु से महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं देखा है। 1925 में महात्मा गांधी गुजरात से साबरमती के तट से देश के पश्चिमी हिस्से से चलकर यहां आते हैं, श्री नारायण गुरु से मिलते हैं। उनके साथ हुई चर्चा ने गांधी जी को काफी गहराई तक प्रभावित किया था। स्वामी विवेकानंद स्वयं नारायण गुरु से मिलने पहुंच गए थे। ऐसी कितनी ही महान विभूतियां नारायण गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग किया करती थी, कितने विचार मंथन होते थे। ये विचार सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र के रूप में भारत के पुनर्निर्माण के बीच की तरह थे। ऐसे कितने ही सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक लोग एक साथ आए, उन्होंने देश में चेतना जगाई, देश को प्रेरणा दी, देश को दिशा देने का काम किया। आज हम जो भारत देख रहे हैं, आजादी के इन 75 सालों की जिस यात्रा को हमने देखा है, ये उन्हीं महापुरुषों के मंथन, चिंतन, विचारों का परिणाम है जो आज फलस्वरूप हमारे सामने है। साथियों, आजादी के हमारे मनीषियों ने जो मार्ग दिखाया था, आज भारत उन लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा है। अब हमें नए लक्ष्य गढ़ने हैं, नए संकल्प लेने हैं। आज से 25 साल बाद देश अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा और 10 साल बाद हम तीर्थदानम के 100 सालों की यात्रा भी, उसका भी उत्सव मनाएंगे। इन 100 सालों की यात्रा में हमारी उपलब्धियां वैश्विक होनी चाहिए और उसके लिए हमारा विजन भी वैश्विक होना चाहिए। भाइयों और बहनों, आज विश्व के सामने अनेक साझी चुनौतियां हैं, साझे संकट है। कोरोना महामारी के समय इसकी एक झलक हमने देखी है। मानवता के सामने खड़े भविष्य के प्रश्नों का उत्तर भारत के अनुभवों और भारत की सांस्कृतिक सामर्थ्य से ही निकल सकता है। इसमें हमारे आध्यात्मिक गुरु इस महान परंपरा को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। तीर्थदानम के बौद्धिक विमर्श और प्रयासों में हमारी नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवगिरी तीर्थदानम की ये यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। कल्याण और एकता के प्रतीक और गतिशीलता के प्रतीक तीर्थ यात्राएं भारत को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सब यहां पधारे, मैं हृदय से आपका आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के जो सपने, जो संकल्प आपने लिए हैं, मुझे भी एक सत्संगी के रूप में, एक भक्त के रूप में आपके इन संकल्पों के साथ जुड़ना मेरा अहोभाग्य होगा, मेरे लिए गौरव होगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं।